हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप अपने स्मार्टफोन के कीबोर्ड कलर को चेंज करना चाहते हैं? जैसा कि दोस्तों, आप कोई भी चीज के लिए टाइपिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे टाइपिंग करना है तो ये कीबोर्ड आता है। इस कीबोर्ड का कलर हमें अगर चेंज करना रहे, यानी कि ये सफ़ेद कलर का है जैसे कि डिफ़ॉल्ट कलर में है, तो दोस्तों अगर आप इसे रंग बिरंगा या अपना खुद का फ़ोटो लगाना चाहते हैं कीबोर्ड पर, तो आप अपने स्मार्टफोन के कीबोर्ड पर किस तरीके से अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, या आप अगर कीबोर्ड का कलर चेंज करना चाहें तो किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, आज की इस वीडियो में सारा जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने किसी भी जगह इसे कीबोर्ड को ओपन कर लेना है। जैसा कि मान लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कीबोर्ड को इस तरीके से ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ पर टाइपिंग करने के लिए। उसके बाद दोस्तों, यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेटिंग ऐप की तरफ, तो दोस्तों इसी सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहीं पर आपको थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है थीम का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आपका डायनेमिक कलर इस तरीके से होगा तो दोस्तों आप यहां पर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं इस तरीके से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि रेड कलर का आपका कीबोर्ड दिखे, तो दोस्तों आपको रेड कलर के कीबोर्ड पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों, आपका कीबोर्ड कलर चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर मान लीजिए, मैं गूगल को इस तरीके से सर्च करने के लिए यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले डिफॉल्ट कलर यानी कि डायनेमिक कलर था, अब यहाँ पर रेड कलर हो चुका है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अगर फोटो अपना लगाना चाहते हो कीबोर्ड पर, तो इसके लिए दोस्तों आपको फिर से अपने सेटिंग ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों, थीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों, यहीं पर आपको एक मिल जाता है ऑप्शन माई थीम्स का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है प्लस के आइकन पर। इस पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ से मैं इसी फोटो को लगाना चाहता हूँ, इस तरीके से मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे जहाँ से लगाना चाहें इस तरीके से क्रॉपिंग करके इस तरीके से लगा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों, इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अगर एडजस्ट करना चाहो तो इस तरीके से, मान लीजिए दिखाई नहीं दे रहा फोटो, तो इस तरीके से आप इसे एडजस्ट ब्राइटनेस करके इस तरीके से सही कर सकते हैं। 75 पर रहता है तो सही रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप 75% पर इस तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपका लेटर भी देखने को मिलेगा और आपका फोटो भी बैकग्राउंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों, अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके कीबोर्ड में यहाँ पर देख सकते हो कि फोटो भी लग चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कलर भी चेंज कर सकते हो, इसी तरीके से आप फोटो लगाना चाहो तो लगा सकते हो अपने कीबोर्ड में। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड का कलर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।